आज ईद पर्व है और हमारे देश की ये परंपरा रही है कि बहुत सारे जो पर्व हम सब मिलकर मनाते हैं, एक तरह से राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। ईद भी उसमें से आता है, दिवाली है, होली है, दशहरा है और उसी तरह से क्रिसमस है। तो ये हमारे देश की एक संस्कृति है, संस्कार है कि हम सब लोग मिलजुल कर अपना पर्व मनाते हैं। आज इस मौके पर हम देशवासियों को मुबारकबाद देते हैं और इसी तरह हमारे देश की भाईचारगी और आपसी मेल मिलाप बना रहे, यही हम कामना करते हैं। अभी नमाज़ पढ़ के हम लोग आए ही हैं और उस नमाज़ में हमने दुआएं मांगी है मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क में अमन चैन रहे, हमारी सरहदें हिफाजत से रहें, हमारे जवानों का, हमारे सिविलियन का कोई नुकसान नहीं हो, बल्कि पूरी दुनिया में अमन चैन रहे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। प्यार और मोहब्बत बहुत ज़रूरी है और यही दुनिया की असल चीज़ है। और कौन समाज कैसा है, कितना सभ्य है, इसी से पता चलता है कि वहाँ कितना प्यार और मोहब्बत है। नफ़रत की बात करने वाले लोग पराजित हों और मोहब्बत की बात करने वाले लोग कामयाब हों, यही हम लोगों ने दुआएं मांगी हैं।